What's up guys? चूजे मैंने अभी अभी बाहर निकाले हैं और ये जो नीचे भोरे वगैरह पड़े हैं ये मैंने अभी अपने कबूतर वगैरह को बाहर खोला छोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी भोरे वगैरह पड़े हैं, क्योंकि उनको खुला छोड़ के भोरे वगैरह डाले थे। दाना भी अभी उनको डालना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने चूज़ों को पानी साफ करके डाल देता हूँ। पानी मैंने अपने चूज़ों को डाल दिया। किचन वेस्ट भी मैं लेके आ गया हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे रखी है तैयार करने के लिए। तैयार ये हो चुकी है काफ़ी हद तक। अभी मैंने इसके अंदर पानी डाला, लेकिन वो मैं पानी निकाल के इनको भी मैं पहले किचन वेस्ट डाल देता हूँ। किचन वेस्ट मैंने अपने चूज़ों को डाल दिया, पानी मैंने उसमें से निकाल दिया जो कि वहाँ पे अभी भी गिरा पड़ा हुआ है। और अभी जो उनसे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा इसके अंदर एक तोती थी या तोता, जो भी इसको आप कह लें, वो थी, लेकिन अभी वो इसमें नहीं है, ना ही मटकी में है। दरवाज़ा भी इसका खुला हुआ है, वो मैंने अपने एक दोस्त को दे दिया है। मैंने कहा यार ये यहाँ पे अकेली रहेगी तो ये यहाँ पे भूखी प्यासी डर के मारे मर जाएगी, क्योंकि वो अकेला बंदा तो ज़्यादा कुछ खाता पीता है नहीं। इस वजह से मैंने इसको अपने दोस्त को दे दिया। मैं कहा अगर मैं लेके आऊँगा ना न्यू वाली तो मैं आपसे वो वापस ले लूँगा, अदरवाइज़ वो आपकी, अगर मैं जल्दी ले आया तो मैं उससे वापस ले लूँगा, अगर नहीं तो वो फिर उसी को ही मैंने दे देनी है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे एक ही है तो मैं उसका क्या करूँगा, वो तो पड़ी पड़ी मर जाएगी। इस वजह से मैंने अपने दोस्त को तोता दे दिया। तो अब जो है मैं अपने कबूतरों को जल्दी से दाना भी डाल देता हूँ और पानी भी डाल देता हूँ। कबूतरों को दाना भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, और ये जो हमारी कबूतरी वहाँ पे बैठती थी उसको मैंने बंद करने के लिए उसके ऊपर एक ईंट रख दिया, नहीं तो वो सारा दिन वहाँ पे ही बैठी रहती थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारी देसी मुर्गी अगर अंडा देगी ना, उसके बाद मैं उसको सील मुर्गे का छोड़ दूँगा, तो वो क्रॉस करवाने के बाद जो अंडा आएगा उसके ऊपर मैं इस कबूतरी को बिठा दूँगा, अगर ये वापस जा कर वहाँ पर बैठती है तो। उसमें से जब चूज़ा निकलेगा तो अपने आप ये जो सा बैठती है वहाँ पर वो बैठना बंद कर देगी। दादा मैंने इनको डाल दिया, अब जो सा मैं अपनी मुर्गी और मुर्गे को ढक लेता हूँ। चूज़ों को मैंने इस वक्त अंदर बंद कर दिया, इनका भी मैं बंद कर देता हूँ। और जो उनसे हमारे भड़े वाले चूज़े हैं जो उनसे इस मुर्गी ने पहले निकाले थे, अभी मैं उनको बाहर निकाल लेता हूँ। सो उनको बाहर निकालने के बाद मैं अपने देसियों को दाना भी डाल देता हूँ। देसियों को इस वक्त मैंने दाना भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, उन्होंने काफ़ी अंदर गंद मचाया हुआ है और अभी तक किसी भी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। हमारी एक मुर्गी यहाँ से चली गई है, जिसके बाद एक मुर्गा, दो मुर्गियाँ रह गई हैं हमारे पास। मुर्गा तो ऐसा ही अभी छोटा सा बच्चा ही है। तो अब जो उनसे मैं अपने देसियों को अच्छी तरह बंद कर देता हूँ। दोनों भी दाना पानी खा लिया, इनको काफ़ी देर से मैंने खोला हुआ है, अब मैं इनको जल्दी से बंद करके अपने मुर्गा मुर्गी को खोल देता हूँ। मुर्गी मैंने खोल दी है और सील चिक्स को मैंने ढक दिया है, और इनको ढकने के समय मेरे जो उनसे देसी मुर्गा मुर्गी हैं वो सबके सब बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे घमासान लड़ाई हुई है और यहाँ पे अच्छी तरह पार खिल गए हैं। मेरी ये जो उनसी ब्लैक वाली मुर्गी है, इसने देसी मुर्गे को अच्छा यहाँ पे मारा है, जिसके बाद यहाँ पे ये हालत हो गई छत की। और कल मैं छत की सफाई नहीं कर सका था, क्योंकि मैं कल गिर गया था, जिसकी वजह से मेरी टांग पर थोड़ी सी चोट लग गई और मेरे से छत पर चढ़ा भी नहीं जा रहा। अभी भी मैं बड़ी हिम्मत करके छत पर आया हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यार भाई सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों का शेयर करो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक ब्रांड न्यू व्लॉग में।